क्या 21वीं सदी में इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाए तो उसके बाद मंदिर अपवित्र हो जाता है? क्या ऐसी मान्यता मात्र भी है कि क्या कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी मंदिरों पर नहीं जा सकता, या इस आधार पर कोई भेदभाव आज भी हो सकता है? क्या 21वीं सदी में किसी के मंदिर में प्रवेश होने पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है? शायद खासकर तब जब वो जन्म से हिंदू धर्म में पैदा हुआ। इस पर उम्मीद है ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं में होगा, क्योंकि आज लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि किसी को भी अपनी आस्था के मुताबिक पूजा पाठ करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कन्नौज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो हालात वहां के बने हैं, उसको लेकर के लोगों को चौंकना होने की जरूरत है। ये तस्वीरें चौंकाती हैं। दरअसल यहाँ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गौरी शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी नेता भड़क गए। नेताओं ने बकायदा गंगा जल लेकर के पूरे मंदिर को साफ कर दिया। मंदिर में अखिलेश यादव के पूजा पाठ को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स में पूरा एक वीडियो भी डाला था, कुछ फोटोज भी शेयर किए थे। मंदिर में दोपहर के वक्त लाव लश्कर के साथ अखिलेश यादव पहुंचे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटिंग के ठीक एक दिन पहले यहां पूजा पाठ की थी। कन्नौज के सिद्ध बाबा पीठ गौरी शंकर के मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश ने महादेव की पूजा अर्चना की और अपनी जीत के लिए बाबा से आशीर्वाद भी मांगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव कन्नौज के जब इस मंदिर से निकले, उसके कुछ ही देर बाद एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग अखिलेश के जाने के बाद मंदिर की साफ सफाई करने में जुटे हैं। कथित तौर पर खुद को हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग बता रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव के लौटने के बाद गौरी शंकर मंदिर का प्रांगण अपवित्र हो गया है, इसीलिए वो गंगा जल से इसे धो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के साथ कुछ मुस्लिम और गैर हिंदू कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे, जो जूते पहन करके मंदिर परिसर में घुसे थे। उन्होंने यहां कथित तौर पर थूका भी था। इसके बाद मंदिर के हम लोगों ने सफाई की। क्या कुछ कहना है सफाई करने वालों का, सुनिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां पर दोपहर में आए थे और कुछ मुस्लिम युवकों के साथ में आए, जो कि मुस्लिम युवकों ने यहाँ पर जूते चप्पल पहन कर आए और यहाँ पर उन्होंने थूका थाकी भी की। क्या हमारे मंदिर ही उन्होंने आस्था के हमारे मंदिर उन्हें अभी अपवित्र करने को मिलते हैं? क्या किसी मस्जिद, किसी दरगाह में वो जूते चप्पल पहन कर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हम लोगों के मंदिर का अपमान जो किया, बाबा गौरी शंकर मंदिर का अपमान किया है हमारी जनता। हम लोगों ने ठाना है कि अखिलेश यादव को इस अपमान का बदला लेंगे, उन्हें हरा कर भेजेंगे। हम लोगों ने गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया है और ये अपमान का बदला हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाबा गौरी शंकर मंदिर को अपवित्र करने का कार्य किया है अखिलेश यादव और उनके मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने, उसके लिए हम लोग उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। सुना आपने कैसे ये लोग अखिलेश पर भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो चुनावी हिंदू हैं। मंदिर के बाहर बोर्ड भी लगा है कि गैर सनातनियों का प्रवेश यहां वर्जित है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से कई बार उनकी पार्टी के नेता जीतकर संसद भी पहुंचे। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अखिलेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर तमाम लोग टूट पड़े हैं। तमाम उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। तमाम लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या उनके जाने मात्र से क्या मंदिर अपवित्र हो गया है? ऐसे में अखिलेश उनके सवालों का क्या जवाब देते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये मामला पूरा वोटिंग और चुनावी वक्त में होने से एक तरह से अखिलेश यादव एक बार फिर से पीडीए का राग अलाप सकते हैं और अखिलेश यादव को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।